लाहौर में स्मॉग की शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची। फजाई आलूदगी जाहिर करने वाले पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 504 रिकॉर्ड। गुजरांवाला और फैसलाबाद की फजा भी सेहत और जानों के लिए बाइस से खतरा। स्मॉग की रोकथाम के लिए सॉफ्ट स्मॉग लॉकडाउन लगाने की तजावीज तैयार। इस जुमे को तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद करने, हफ्ते को मार्केटें जिम सिनेमाघर थिएटर और फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद करने की तजवीज। ट्रैफिक में कमी और सरकारी दफातर में आधे मुलाजमीन को बुलाने की भी तजावीज। अमल दरामद के लिए शहर में नाके लगाए जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत कैबिनेट कमेटी। इंसदाद स्मॉग का इजलास कुछ देर बाद होगा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल का रद्द करार दिए जाने के बाद साइफर केस की नए सिरे से समाअत। जज अबुल हसनात ने शाह महमूद के वकील से कहा, बुखारी साहब आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई है। वकील अली बुखारी बोले, हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानतों के केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर की मोहलत देने की इस्तदा। शाह महमूद कुरैशी का केस सिर्फ ऑर्डर की हद तक है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा, शाह महमूद कुरैशी के मामले को देख लेते हैं। जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। पीटीआई बल्ले के निशान के लिए अहल है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पीटीआई को 2 अगस्त को नोटिस जारी किया था। 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब मोनिस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 48 करोड़ 76 लाख से ज्यादा रकम निकलवाई गई। FIA ने लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में दस्तावेजात जमा करवा दी। मोनिस इलाही की 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज भी मुंजमद कर दी गई। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने जायदादों और अकाउंट्स को मुंजमद करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज इलाही को घर बहिफाजत न पहुंचाने पर तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद की हद तक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने पूछा, IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद क्यों पेश नहीं हुए? अफसरान के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को लिखना चाहिए। वकील शान गिल ने जवाब दिया कि आपने रास्ता तलाश कर लिया है जो दुरुस्त है। रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का जायजा लेने IMF तकनीकी वफ्त आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक रिटेलर्स के लिए स्कीम लाने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्त के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 672 पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 58,800 की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 28 पैसे सस्ता, भाव 284.45 रुपये पर है। गजा पर आर्जी जंगबंदी का आगाज आज नहीं कल होगा। आला अमरीकी अहदेदार का कहना है कि 1 रोज की तखीर का फैसला इसराइल कतर मिस्र और अमरीका ने मिलकर किया। इसराइल को अभी तक फलस्तीनी यरगमालियों के पहले ग्रुप के नाम नहीं मिले। इसराइली वजीर आजम के मुशीर का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई इब्तदाई मुहिदे के तहत ही होगी। ताहम ऐसा जुमे से पहले नहीं होगा, ना ही उससे पहले जंग में कोई वक्फा होगा। मुहिदे के तहत इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानब से 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फरहमी भी मुहिदे में शामिल है। जंग थमने का इंतजार करते गजा में मजीद कई घराने उजड़ गए। इसराइल ने हमले तेज कर दिए। रात भर गजा में जबालिया, शिमाली गजा, बैतलाहिया, रफा, खान यूनस और नसायरात कैंप पर फजा से हमले और बमबारी। जबालिया कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों में 200 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 14,532 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 6,000 से जायद बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी से गजा की 60% से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। गजा में 7 अक्टूबर से हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 71 हो गई। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि वक्फे के बाद पूरी कुव्वत से हमले किए जाएंगे। हमास ने गजा में इसराइली फौजियों और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आज सुबह यमन में हूसियों के इलाके से आने वाले मुतादे ड्रोन्स तबाह कर दिए, जबकि अमरीकी अमलों और जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लेबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद।
व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वजीर आजम से गुफ्तगू में लेबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरम रखने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दे दी। दफ्तर खारजा की तस्दीक, रूस और चीन रुकनियत हासिल करने में पाकिस्तान की मदद करेंगे। रूस में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद खालिद जुमाली का कहना है कि रुकनियत के अमल के दौरान पाकिस्तान रूस की मदद पर एतमाद कर रहा है। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। इसमें इसी साल अगस्त में 13 साल बाद तौसी की गई थी।